अनंतनाग ऑपरेशन खत्म हो चुका है और इसके विलेन उजैर खान के सीने में गोलियां दाग उसे ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर में चल रहे कई एनकाउंटर्स में लगातार आतंकी ढेर हो रहे हैं। हाल में मारा गया टेररिस्ट यानी उजैर खान लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। करीब करीब सबका ही कनेक्शन पाकिस्तान के किसी न किसी आतंकी गुट से बताया जा रहा है। दहशतगर्दों के पास मॉडर्न हथियार हैं और उनके पास पक्की ट्रेनिंग भी है। जाहिर है इसके लिए खूब पैसे खर्च होते हैं। पाकिस्तान से आतंक को कैसे स्पॉन्सर किया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान के पास खाने तक के पैसे नहीं, वो आतंक फैलाने के लिए इतनी मोटी रकम कहां से जुटा रहा है। साल 2022 में इंतजार के बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ग्रे लिस्ट से हटाया था। लिस्ट में वो देश होते हैं आतंकियों पर कार्रवाई ना करने पर देश ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, जिसके बाद कोई भी इंटरनेशनल संस्थान उस देश को लोन नहीं देती, क्रेडिट नहीं देती। ग्रे लिस्ट में आने के बाद से कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने यानी अपने पैसे फंसाने से डर रहा था। ये देखते हुए उसने टेरर पर थोड़ा बहुत एक्शन लिया और लिस्ट से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही ग्रे लिस्ट में बने रहने का खतरा उस पर से खत्म हुआ, पाकिस्तान अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया है और अनंतनाग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। अनंतनाग एनकाउंटर कश्मीर के इतिहास में तीसरा सबसे लंबा एनकाउंटर साबित हुआ है। यानी आतंकियों को काफी बड़ी तैयारी और ट्रेनिंग के साथ भारत में दहशत के लिए भेजा जा रहा है। अखबार डॉन के मुताबिक मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज लगभग 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका था और इसके बाद भी आतंक के लिए पैसों का जुगाड़ हो ही जाता है। इसके एक नहीं कई स्रोत हैं। टेरर फंडिंग को लेकर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर सालाना 24 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। ये पैसे एक गुट को नहीं बल्कि कई अलग अलग चरमपंथी संगठनों में बांटा जाता है। सबका जिम्मा पहले से तय होता है कि किसको कितने पैसे देने हैं, किस काम पर हमें कितना खर्च करना है। इसमें कश्मीर में रह रहे लोगों का मन बदलने से लेकर उन्हें उकसाकर आतंक का हिस्सा बनाने तक कई टास्क होते हैं। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और हथियार तक मुहैया कराए जाते हैं। इन सब कामों पर पाकिस्तान से भारी भारी पैसे खर्च हो रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं टेरर फंडिंग को लेकर अलग आंकड़े जारी कर रही है जो चौंकाने वाले हैं। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान लगभग 40 करोड़ रुपए लगाता है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की माने तो ये नंबर इससे कई गुना ज्यादा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार भी करती है फंडिंग? आतंकवाद सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसे इस्लामिक स्टेट से पैसे मिलते रहे। सरकार पर आरोप यह है कि वो सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज करती है। उसकी नाक के नीचे ये गुट फल फूल रहे हैं और वो एक्शन नहीं लेती, और इसकी एक बड़ी वजह वहां पर लोकतंत्र का इतना कमजोर होना है। अब कौन से पाकिस्तानी आतंकी संगठन हैं जो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। यहां लश्करे तैयबा, लश्करे ओमर, जैशे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाहे सहबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जिंदुल्ला, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जैसे कई खतरनाक गुट हैं। इनके अलावा कई विदेशी टेरर ग्रुप भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं, जिनका रिश्ता इस्लामिक चरमपंथ से है। माना जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भी इन लोगों से मिले हुए होते हैं। वो भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसके कई सोर्स हैं और इसमें नशे का कारोबार सबसे ऊपर है। नार्कोटिक्स और टेररिज्म का गठजोड़ कुछ ऐसा है कि इसमें एक नए टर्म नार्को टेररिज्म को जन्म दे दिया। आतंकी गुट नशे के कारोबार से ही सबसे ज्यादा कमाई करते हैं और इससे आए पैसे टेरर फंडिंग में जाते हैं। यही वजह है कि कश्मीर में नशे का कारोबार इतना फला फूला। 90 के दशक से ही पाकिस्तानी आतंकी यहाँ के युवाओं तक नशा पहुंचाने लगे और इसका एक मकसद उन्हें भटकाकर
उन्हें अपने साथ मिला लेना था, तो दूसरा मकसद उनके दिमाग और शरीर को कमजोर बनाना भी था। फिरौती नकली करेंसी का कारोबार जैसे कामों से भी पैसे आते हैं और कश्मीर में कई बार नकली नोटों की खेप पकड़ी जा चुकी है। टेरर फंडिंग को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ चुकी हैं। लंबे समय तक सऊदी अरब शक के घेरे में रहा। अमेरिका पर हुए अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान में शरण ली थी, तब भी पाकिस्तान का सऊदी और आतंक से कनेक्शन साफ हुआ था। ये कहा जाता था कि सऊदी टेरर फंडिंग कर रहा है। हालांकि कुछ सालों से सऊदी का अब पूरा ध्यान अपने इमेज को क्लीन करने में है। अब ये जरूरी हो जाता है कि भारत अपने संस्थानों के आंकड़ों का सहारा लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरे और एक बार फिर ग्रे लिस्ट में उसे डालने के लिए जोरदार अपील करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।